हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आगरे का किला ले चलते हैं। आगरे का किला रकाबगंज आगरा में स्थित है। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच ये खुला रहता है। प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपये शुल्क है और विदेशियों के लिए 550 रुपये शुल्क है। यह आप देख रहे हैं आगरे का किला। यमुना नदी के तट पर स्थित यह किला एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे 1565 से 1573 के दौरान महान शासक अकबर के लिए बनवाया गया था। यह किला 1638 तक मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। इस किले का निर्माण राजस्थान के धौलपुर जिले के बरौली क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर से सैन्य संरचना के रूप में किया गया। देखिए सर, ये पूरा लाल पत्थर के अंदर बना है। ये जागीर का महल है। ये सामने देखेंगे, एक ही पत्थर के अंदर बना हुआ है। ये हिंदू आर्किटेक्चर है, इसमें दुर्गाबाई का मंदिर बना हुआ है, लेकिन ये औरंगजेब ने खत्म कर दिया। और ये पीछे की साइड में देखेंगे, और इधर उनका डाइनिंग थोड़ा सा देखेंगे। ये बीच में जो ग्राउंड है, जब यहाँ जहांगीर का जन्मदिन मनाया जाता था या कोई फंक्शन होता था, तो यहाँ नाच गाना होता था। अच्छा, ऊपर में जितने भी झरोखे बने हैं वहाँ दासियाँ रहती थी। ये पर्दे वाले झरोखे निकल रानियाँ छत्तीसगढ़ भाषा लोग रहती थी, तो वो अपना नाच गाने का जो है आन लिया करती थी। जागीर महल, माची भवन, दीवान ए खास, दीवान ए आम और खास महल जैसे कई प्रभावशाली संरचनाएं है। यह एक पर्यटक आकर्षण के रूप में माना जाता है और दुनिया भर के कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। आगरा किले की वास्तुकला में 3 प्रमुख राजवंशों को दर्शाया गया है, जो किले मुगलों के शानदार जीवन से मिलता जुलता है। इस किले की शानदार संरचना और सही डिजाइन के कारण इस किले को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। किला विश्व विरासत सूची में शामिल एक अद्वितीय मुगल स्थापत्य इमारत, मुख्य रूप से सैन्य रक्षा के लिए बनाया गया था। ये गर्मियों हवा खाने के लिए और सर्दियों में धूप खाने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड में यमुना नदी की और ये बीच में जो पानी का खाया खाई है ना, ये औरंगजेब का बना हुआ है, इसमें कोको डाल वगैरह है। यहाँ से ताजमहल के दीदार किए जाते थे। सर ये था साझा मुमताज का लाइट, बहुत सुंदर था। ये तो ऊपर जो पेंटिंग पहले बोल्ड थी, तो
और यहाँ एक भरतपुर का राजा था, इसका नाम था सूर्य, उसने इसको अटैक किया और बीच में जो रिंग लगाए ना उसमें बड़े बड़े झाड़ होते थे, उसमें छोटे देखिए सामने आते हैं ना, ये व्हाइट मार्बल का पहचान है क्योंकि लाइट से ही चमकता था। हाँ दरवाजे वगैरह तो थे ही नहीं, थोड़ा फिर फर्क तो आ गया। पर्दा सिस्टम था। हाँ, इसी में पर्दे लगे रहते थे। और ये देखेंगे जो फाउंटेन है इसमें जो रोज वाटर चलता था, जो 5 बार बड़े और 32 बार छोटे, ये नीचे जो गार्डन देखेंगे ना ये था अंगूरी गार्डन। अंगूरी गार्डन क्योंकि साजा को अंगूर का उड़ान वगैरह पीने का अधिक शौक था। अच्छा अच्छा, अपनी बगीचे का यूज करते थे। अच्छा अच्छा, सेवा चापी करने वाली जो तो ये गार्डन बना दिया इन्होंने, उसी टाइम का है। अब अंगूर का पेड़ तो होता रह गया ये। अच्छा ये किनारे है ना अंगूर के पेड़। शाहजहां मुगल ने कितने सारे बगीचे बना रखे। लेकिन उनका छोटा बेटा औरंगजेब बहुत चतुर चालाक था, जो वो समय से पहले ही राजा बनना चाहता था, तो इसलिए शाहजहां को दिल्ली जाकर के कैद किया। लेकिन शाहजहां की इच्छा के अनुसार इंडिया शाहजहां को 8 वर्ष औरंगजेब ने रखा और यही शाहजहां का मृत्यु हुआ। और यहाँ से उनकी डेथ हो गई, वो ताज में अपने बैर करा दी गई, बाद में यहाँ पर शाहजहां का। हाँ पानी ऊपर भरा रहता होगा तो। पानी की भी कमी नहीं थी पहले तो। अब तो सब रेलिंग लगा के रोक लगा दिए सब जाने। खास में अंदर नहीं है जाने के लिए, सब जगह रोक लगा रहे हैं सब, और कुछ नहीं तो टाइम बार भी हो गया। हाँ हाँ, निशानबाजी करना है, ज्यादा लिखा पढ़ी करना है, काले खराब हो रहे ना सब।
किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। इस किले को कुछ इतिहासकार चार दीवारी से घिनी प्रसाद महल नगरी कहना बेहतर मानते हैं। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहां रहा करते थे। यह आप देख रहे हो आगरा के किले का दीवाने खास। दीवाने खास का बगीचा, क्या सुंदर हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधे कितने सुव्यवस्थित तरीके से कर रखा है, मरम्मत कर रखा है। यह आगरे का ग्वालियर, आगरे का किला। अब हम आगरे के किले से वापस बाहर की ओर निकल रहे हैं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद विजय बहादुर इब्राहिम लोधी के महल में किले में रहे। बाद में उन्होंने इसमें एक आवली बनाई। उनके उत्तराधिकारी हुमायूं को 1530 में किले में ताज पहनाया गया था। वह 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा बिलग्राम में पराजित हुए थे। किला 1555 तक सूरी के साथ रहा। जब हुमायूं ने इसे पुनः प्राप्त किया, आदिल शाह सूरी के जनरल हेमून ने 1556 में आगरा को वापस ले लिया और दिल्ली से अपने भागने वाले गवर्नर का पीछा किया, जहां वह तुगलकाबाद की लड़ाई में मुग़लों से मिले। शीश महल, आगरा किला शीश महल में मोमबत्तियों को प्रकाश डालकर उत्पादित प्रभाव। यह अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही था। जिस साइट्स ने अपनी वर्तमान स्थिति पर कब्जा कर लिया था, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में सुंदर ताजमहल का निर्माण किया। अपने दादा के विपरीत शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर से बने भवनों का आयोजन किया था। उन्होंने अपने स्वयं के निर्माण के लिए किले के अंदर की कुछ पिछली इमारतों को नष्ट कर दिया।